हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे वेजिटेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड पहले के 27 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। तो क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 फॉरेस्ट टाइप विद लिस्ट 2 रीजन। तो लिस्ट 1 में फॉरेस्ट टाइप दे रखा है, लिस्ट 2 में रीजन दे रखा है। हमने बताना है कौन सा फॉरेस्ट कौन से रीजन में पाया जाता है। तो फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे है? ये शिलोंग में पाए जाते हैं। शिलोंग कहाँ पे है? मेघालय में। सेकंड है मानसून। मानसून नीलगिरीज में है। टेम्परेट नीलगिरी साउथ इंडिया में आ गया। टेम्परेट फॉरेस्ट ये शिवालिक रेंज में जो आते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और फोर्थ है मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कौन सी है? जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। सेकंड गोरुमारा, ये क्या है? ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। थर्ड है कॉर्बेट। कॉर्बेट कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है और ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 बायोस्फीयर रिजर्व विद लिस्ट 2 स्टेट। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? तो ये है असम में। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय में है। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट है ना, टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, ये मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने ओवरऑल इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है तो आप उस वीडियो से पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको कैसे लर्न करना है ये भी उस वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन वर्ल्ड। कान्हा नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में? कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, राइट। और ये कौन से बायोजियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है? ये पाया जाता है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। आप देखो, एक होते हैं नेशनल पार्क्स, एक होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स और थर्ड आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अब ये जो नेशनल पार्क वाला एरिया होता है ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है। और बायोस्फीयर रिजर्व ये मॉडरेटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला जो एरिया है ये लेस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होता है, इसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ये या तो गवर्नमेंट ओन्ड होती है या फिर प्राइवेटली ओन्ड भी होती है, लेकिन जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। तो इनका जो एरिया है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट। अब चलते हैं स्टेटमेंट्स पे। फर्स्ट है द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। अब नेशनल पार्क गवर्नमेंट ओन्ड है, इसकी बाउंड्री कितनी रहेगी ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है बाय लेजिस्लेशन, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? अ बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व ए फ्यू स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व में जितना भी एरिया आता है उस एरिया के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को ये कंजर्व करता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज पे फोकस नहीं किया जाता, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे है उसको कंजर्व किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। थर्ड है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंसेस परमिटेड। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस की परमिशन यहाँ पे होती है, इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होता, लेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, सेकंड वाली रॉन्ग है। अब ये जो स्पेसिफिक स्पीसीज है ना फ्लोरा फौना की, ये कहाँ पे कंजर्व करी जाती है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कंजर्व करी जाती है, राइट। तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 3 ओनली, सेकेंड वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है।
नेक्स्ट है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, इंडिया में ज्यादा फॉरेस्ट कौन से है, तो वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पे है, उत्तराखंड में. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोटेक्टेड एरिया एंड वेल नोन फॉर, भीतरकनिका ओडिशा वाला एरिया, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है. सेकेंड है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है. थर्ड है इराविकुलम केरला, हुतक गिबन, इराविकुलम केरला वाला जो एरिया है ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है नीलगिरी ताहर के लिए, राइट. नीलगिरी ताहर क्या है, ये रहा नीलगिरी ताहर नाम का एनिमल, इस तरह का होता है नीलगिरी ताहर. तो केरला वाला जो इराविकुलम है ये एरिया नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है, राइट. तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली ऑप्शन सी. फिर नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है द टेक्सस ट्री नेचुरली फाउंड इन द हिमालयस, टेक्सस ट्री जो है ये हिमालयस में पाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकंड है द टेक्सस ट्री इज लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक, टेक्सस ट्री को रेड डाटा बुक में एंटर कर दिया गया है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में एंटर हो चुका है, इंडेंजर्ड मतलब आने वाले टाइम में इसके ख़त्म होने का खतरा है, तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. थर्ड क्या है, अ ड्रग कॉल्ड टैक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेक्सस ट्री इज इफेक्टिव अगेंस्ट पार्किंसंस डिजीज. अब ये जो टैक्सोल नाम की ड्रग है ना, ये एंटी कैंसर ड्रग है, राइट. तो इसलिए जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेशनल पार्क्स आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट वेयर पीपल आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है, स्पेसिफिकली ये ह्यूमंस के लिए नहीं बने हुए नेशनल पार्क्स जो है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है, एनिमल फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज को, राइट. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकेंड क्या है, सेंचुरीज आर कंसर्न्ड विद कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कनेक्टेड विद द हैबिटेट ऑफ ए पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल. तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल की स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं किया जाता, राइट. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली. नेक्स्ट है, द रेड डाटा बुक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. रेड डाटा बुक को कौन पब्लिश करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. नेक्स्ट है, इन इंडिया फॉरेस्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट डैश ऑफ लैंड सर्फेस, इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 21%, राइट. तो 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो है 21.71%, राइट. तो होना कितना चाहिए वैसे, 33% होना चाहिए, किसी भी कंट्री का जो आइडियल फॉरेस्ट कवर है वो 33% होना चाहिए, लेकिन इतना हमारा है नहीं है इंडिया का. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नेशनल पार्क एंड स्टैंड स्टेट. फर्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड है. सेकंड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है. रणथंभौर नेशनल पार्क, ये गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये पड़ता है राजस्थान में, राइट. तो थर्ड वाला जो है नॉट करेक्टली मैच्ड आ जाएगा. बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ये भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है साइलेंट वैली ऑफ केरला, केरला की जो साइलेंट वैली है वो किसके लिए फेमस है, वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स की रेयर स्पीसीज है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कंटेन्स रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट है द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंड, कश्मीर स्टैग कहाँ पे पाया जाता है, ये डाचीगाम में, डाचीगाम सेंचुरी में पाया जाता है कश्मीर स्टैग. डाचीगाम कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है.
नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये राइनोसेरस के लिए फेमस है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इन ऑफ क्लाइमेट। अब देखो जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ पे वैसी ही नेचुरल वेजिटेशन होती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन, वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट, जहाँ पे भी मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ पे वही प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होती है, जहाँ पे जैसा क्लाइमेट है वहाँ पे वैसी ही नेचुरल वेजिटेशन होती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन इंडिया, में ट्री कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो है वेस्ट कोस्ट पे, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, 1973 में, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन में दे रखी है नेचुरल वेजिटेशन और लिस्ट टू में एनुअल रेनफॉल, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो बारिशें ज्यादा होती होगी, तो अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट में 100 टू 200 सेंटीमीटर, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में, यहाँ पे अब देखो ड्राई फॉरेस्ट है तो यहाँ पे रेनफॉल कम होएगी, तो 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। एरिड फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट में उससे भी कम होएगी, तो यहाँ पे कितनी होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मुद्दुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर, मुद्दुमलाई सेंचुरी किसके लिए फेमस है, ये टाइगर्स के लिए फेमस है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड एंड नोन बाय डिफरेंट नेम इन ओडिशा एंड अनदर विद इट्स सोर्स इन ओडिशा मर्ज एट अ प्लेस ओनली शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इन टू द सी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड अ प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखो एक रिवर है झारखंड से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, झारखंड से ओरिजिनेट होकर कहाँ जाती है, उड़ीसा में जाती है, फिर कोई रिवर है उड़ीसा में ही ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे दोनों मर्ज होती है, मर्ज होने के बाद ये साथ ही आगे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है, इन दोनों रिवर्स का हमने नाम बताना है, राइट। झारखंड से जो रिवर ओरिजिनेट होकर आती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ब्राह्मणी रिवर। अब जो रिवर ओडिशा से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ओडिशा में और इसके साथ आगे जाकर मर्ज हो रही है, इसका क्या नाम है, इसका है बैतानी रिवर, ठीक है, बैतानी रिवर, दोनों मर्ज होकर आगे जाती है बे ऑफ बंगाल में और इन दोनों के बीच में क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, उसका नाम है भीतरकनिका, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड यूजिंग द कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्टेट रेफर टू इन द पैराग्राफ। आप देखो पैराग्राफ में क्या दे रखा है, द स्टेट हैज ह्यूज पोटेंशियल इन कार्बन ट्रेडिंग थैंक्स टू इट्स वास्ट फॉरेस्ट रिजर्व। इंडिया की कोई स्टेट है यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नियरली 88% एरिया ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट, स्टेट का 88% से ज़्यादा एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट से कवर्ड है, अप्रॉक्सीमेटली 88% एरिया है जहाँ पे जंगल है, अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 33% इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेट टू टेक इनिशिएटिव इन कार्बन ट्रेडिंग। ये कौन सा एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, राइट। तो जो स्टेट का एवरेज कितना होना चाहिए, वैसे स्टेट में 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए बट है यहाँ पे कितना, 88% है, नेशनल कवर से भी ज़्यादा है यहाँ पे फॉरेस्ट, तो ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।